ये जिनवानी की गंगा है, ये सुरत गंगा है और उपाध्याय भगवान के सानिध्य में ये श्रुत परिषदा है। और इस आगम के रूप में हमारे पास श्रुत संपदा है। ये जो बत्तीसी है ये हमारे लिए श्रुत संपदा है। ये ऐसी संपदा है जिस संपदा से या जिसके ग्रहण करने से, जिसको प्राप्त करने से, जिसको सुनने से, जिसको सुनाने से, जिसको पढ़ने से, जिसको पढ़ाने से हमारी आत्मा समृद्ध होती है, हमारे आत्म भाव सुदृढ़ होते हैं, हमारे में मैत्री भाव की गंगा बहती है। इसकी उपस्थिति में हम पतित भी पावन हो जाते हैं। इतना उपकार है। क्यों? क्योंकि ये वाणी इस संसार के पवित्रतम, जिसके आगे कोई हम पवित्रता की कल्पना नहीं कर सकते, पवित्रतम तीर्थंकर प्रभु महावीर की वाणी है। और पवित्रतम व्यक्ति से, पवित्रतम प्रभु के मुख से उच्चरित वाणी, बोली गई वाणी पवित्रतम ही होती है। हम इसकी उपस्थिति में पवित्रतम ना सही, लेकिन पवित्र तो हो ही सकते हैं। हमारे भाव शुद्ध तो हो ही सकते हैं, निशुद्ध नहीं, शुभ तो हो ही सकते हैं। क्योंकि शुद्ध अवस्था में जाना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बतला देता हूं शुद्ध की शुरुआत शुभ से होती है। शुद्ध की शुरुआत शुभ से होती है, शुभ यानी सद्भाव से होती है। आज का ये 30वां अध्ययन जिसका नाम है तपो मार्ग गति, जैसे मोक्ष मार्ग गति थी, मुक्ति का मार्ग कौन सा होता है, इस वाले अध्ययन में जैसे आपके कपड़ों की कई वैरायटियां हैं, है ना, फर्नीचर की कई वैरायटियां हैं, आपके शोधन सौंदर्य प्रसाधनों की भी कई वैरायटियां हैं, आपके जेवर की भी, जो जेवर से ज्वेलर्स जो होते हैं, ज्वेल्स होते हैं, उसकी भी कई वैरायटियां हैं। तो आपको बताओ हमारे जिन शासन में तपस्या की भी कई वैरायटियां है, अद्भुत वैरायटी है। तभी तो जब तीर्थंकर परमात्मा समोसरण में बैठते हैं तो उस समोसरण की जो सौंदर्य है वो देखते ही बनता है। देवराज इंद्र की इंद्र सभा भी उसके आगे कुछ नहीं, चक्रवर्ती की जो राज परिषद है जो कि बहुत सुंदर होती है वो भी समोसरण के आगे कुछ नहीं। ये जो समोसरण का सौंदर्य प्राप्त किया है तीर्थंकर भगवंतों ने, वो इस तपस्या के आधार पर प्राप्त किया है, क्योंकि उनके पास तपस्या की कई वैरायटियां रही है। इन वैरायटियों में अब कमी आने लगी है, लेकिन अगर हम
जिन शासन की विशेषताओं पर अगर थोड़ा सा भी चिंतन करते हैं तो अद्भुत है, अद्भुत है। तो उसकी थोड़ी सी वैरायटियों के बारे में क्योंकि पता करते हैं, तपस्या की कितनी वैरायटियां हैं, तपस्या के कितने प्रकार हैं, तपस्या कितने प्रकार से की जाती है, की जा सकती है। भगवान ने एक ही विकल्प नहीं रखा, भगवान ने 12-12 विकल्प दिए, 12-12 ऑप्शंस दिए हमको कि ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो। अगर हम और तुम चाहें कुछ करना तो हमारे लिए सब रास्ते खुले हुए हैं। बिना तपस्या के हम रह ही नहीं सकते। और ये तपस्या तो भैया घर गृहस्थी के अंदर भी होती है, वहां पे भी सहना पड़ता है, वहां पे भी पैसा कमाने के लिए खपना पड़ता है, कोई पैसा ऐसे नहीं आ जाता है, खूब मेहनत करनी पड़ती है तब जाके पैसा आता है। तो आदमी की विडंबना यह है कि जितनी मेहनत वो पैसों के लिए कर लेता है उतनी मेहनत वो धर्म के लिए नहीं करता है। जितना पुरुषार्थ वो संसार में अपने आप को सौंप करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए जितना करता है, शायद इतना पुरुषार्थ वो अपने आप को देखने के लिए नहीं करता है। दूसरे उसकी तरफ देखें ये तो हमारा प्रयास है, लेकिन भगवान महावीर ने कहा कब तक तुम दूसरों को दिखाते रहोगे, कम से कम कभी कभी अपने आप को भी देखा करो। लीजिए चार लाइनें पहले सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये चार लाइनें बड़ी प्रसिद्ध है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इन चार लाइनों में देखा जाए पूरे अध्ययन का सार आ जाता है। देह के निज आत्मा से, देह के निज आत्मा से संग को पहचानना, करने विलग उस संग को तप मार्ग को है जानना, करने विलग उस संग को तप मार्ग को है जानना, देह आसक्ति मिटाने, देह आसक्ति मिटाने, बाह्य तप को पालना, निज गुणों की प्राप्ति हेत अंतर के तप साधना, निज गुणों की प्राप्ति हेतु अंतर के तप को साधना। इस देही के साथ, इस देही के अंदर छुपी हुई जो आत्मा है उसको पहचानने का भाव लाना, ये सोचना कि मैं चल किसके बलबूते पे रहा हूं, मैं देख किसकी शक्ति से रहा हूं, मैं सुन किसकी शक्ति से रहा हूं, कोई है हिडन पावर, कोई है छुपी हुई अदृश्य शक्ति जिसके आधार पर मेरे पांव चल रहे हैं, मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरा दिमाग चल रहा है, मेरा हृदय धड़क रहा है, मैं सुन पा रहा हूं, सुनना ही नहीं बल्कि उसे स्मृति कोष में भी जमा कर रहा हूं, मैं उसके ऊपर चिंतन भी कर रहा हूं, मैं उसकी गहराई में भी जा रहा हूं, मैं देख भी रहा हूं, मैं चख भी रहा हूं, गर्मी सर्दी का एहसास भी करता हूं, खट्टा मीठा तीखा जितने भी रस हैं ये रस इंद्री
किसके शक्ति से उन रसों को डिवाइड करती है, उन रसों का विभाजन करती है। इन दृश्यों के अंदर ये काला, ये गोरा, ये हरा, ये सफेद, इन रंगों का जो विभाजन होता है कौन कर रहा है? दुर्गंध सुगंध, इसका एहसास कौन कर रहा है? क्यों? क्योंकि मेरे पास जितनी इंद्रियां हैं उतनी ही इंद्रियां अभी अभी जो मरा है उसके पास भी वही है, लेकिन कुछ तो है, मैं चल पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, लेकिन जो मुर्दा पड़ा हुआ है, बेजान, निर्जीव, आत्मा से रहित, वो कुछ नहीं कर पा रहा, वो तो कुछ खा भी नहीं पा रहा, कुछ देख भी नहीं पा रहा। यार क्या बात है, कुछ है अंतर, कुछ है फर्क। इस फर्क को पहचानना जैन शासन कहता है आत्मचिंतन, क्योंकि मुर्दे में और मर्द में है ना, यही समझना पड़ेगा। मुर्दे में और मर्द में आपको थोड़ी देर एक तरफ रख देते हैं, है ना, वह है तो तुम भी, क्योंकि मुर्दे में और मर्द में एक अंतर है। मर्द में आत्मा की वजह से हूं और मुर्दा वो आत्मा के अभाव में है, आत्मा के बिना है। आत्मा के बिना मर्द भी मुर्दा है, तो देह के निज आत्मा के संग को पहचाने, ये तो पहचान लो आप, ये तो पहचान लो। मैं जो भी कुछ कर रहा हूं किसकी वजह से कर रहे हो? आत्मा की वजह से। जब ये बोध हो जाता है तब एक बोध और जागता है, इसका मतलब क्योंकि ये मरने के बाद पता चला, ये मरने के बाद पता चला कि आत्मा अलग है और शरीर अलग, ये पता बाद में चला। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, मुर्दे को नहीं पता चला। मुर्दे को तो पता नहीं है ना, ये तो हमें ही पता है ना, क्योंकि मुर्दे को हम देख रहे हैं। मुर्दा तो मुर्दे को भी नहीं देख पाता, मुर्दा तो मुर्दे को भी पहचान नहीं कर पाता। तो जब मैं देख पा रहा हूं तो तू तो समझ, यही तो फर्क है मुर्दे में और मेरे में। मेरे अंदर अभी आत्मा है इसलिए मैं जिंदा हूं, आत्मा इससे निकल गई तो ये मुर्दा है। ये भाव पहले जगा लो, जब ये भाव जाग जाता है तो एक भाव और पैदा होता है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ये मृत्यु ने बता दिया, ये मृत्यु ने बता दिया कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। फिर एक और साधना की जाती है, जब एक उत्सुकता जाग गई, एक उत्सुकता जाग गई क्या, कि मैं देह में रह करके आत्मा को अलग से महसूस कर सकता हूं क्या? इसको जानने का जो प्रयास किया जाता है उस प्रयास का नाम है तपस्या। उस प्रयास का नाम, उसको कहते तप, क्योंकि तप कहते तपाने को। मक्खन में छुपा हुआ घी तभी निकलेगा जब वह किसी बर्तन में तपाया जाएगा, उसकी खटास, उसका पानी तभी निकलेगा जब उसको, क्योंकि मक्खन में घी है इसका पता कब चला? जब उसे तपाया गया, जब उसे पकाया गया, उसके बाद पता चला कि छाछ अलग है, पानी अलग है, खटास अलग है, और उस खटास में, उस छाछ में, उस मक्खन में छुपा हुआ घी अलग है। तो उसके लिए तपाना पड़ता है, उसके लिए प्रयास किया जाता है, इसका नाम है। जब ये भाव जगता है हमारे अंदर कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इसको मैं जानू कैसे, इसे पहचानू कैसे, तो उसके बारे में जिज्ञासा उठना,
और उसको पहचानने के जितने भी प्रयास हैं, जितने भी पुरुषार्थ हैं, जितने भी तरीके हैं, उन तरीकों को अपनाना तपस्या है। उन तरीकों को दो भागों में डिवाइड किया भगवान ने। तपस्या को दो भाग, 12 प्रकार का तप है। तपस्या के कितने भेद? तप के 12 भेद हैं। 12 भेद हैं तो 12 भेदों में से 6-6 की श्रेणी बांट दी। उनमें से 6 भेद बाह्य हैं, बाह्य बाहर के जो सबको नजर आते हैं, बाह्य जिसे हम देख सकते हैं ये तपस्या कर रहा है, जिसका प्रभाव, जिसका पहला इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है, हमारे शरीर पर पड़ता है। शरीर पर, शरीर से जो नजर आए वो बाह्य भेद हैं तपस्या के, और जो हमें अंदर से बदल दे, हमारे आत्मा के जो स्वाभाविक गुण हैं, जिस तपस्या के माध्यम से वो गुण मजबूत भी हो जाएं और उन गुणों की प्राप्ति भी हो जाए, वो आंतरिक तप कहलाते हैं, अंतर के तप कहलाते हैं। तपस्या को दो भागों में डिवाइड किया, दिखाने वाला भी तप है और संभलने वाला भी तप है। आजकल फोकस ज्यादातर बाह्य पर दिया जाता है। बाह्य तप करना चाहिए, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाह्य के साथ अंतर से भी जुड़ा हुआ रहना चाहिए। क्योंकि याद करना, आप दो पांव से अच्छे ढंग से चल सकते हो, कोई भी पक्षी दो पंखों के आधार पर ही उड़ सकता है। हमारी दो आंखें हो तो हम अच्छे लगते हैं, हमारा विजन क्लियर रहता है। अगर एक बटन बंद हो जाए तो विजन में तकलीफ आ जाती है। अगर एक बटन बंद हो जाए तो हमें इधर का हिस्सा बंद हो जाता है। जब हमारी दोनों आंखें खुली रहे तो पूरा विजन क्लियर रहता है। तो दोनों आंखें, दोनों कान, आप देख लेना, अगर दोनों कानों में से एक कान सुनना बंद कर दे तो बड़ी परेशानी होती है। और एक कान के साथ, जिसको एक कान से सुनाई देता ना, बार बार यूं करता है, हैं क्यों, इधर से तो मामला ही खराब हो रही हो। तो आप ये देखना कि जब दोनों कान सुचारू रूप से काम करते तो सामने वाला बोलता है, हम सुनते हैं। और हमारी इंद्रियों में कहीं पर भी कोई कमी आ जाती है तो हम उसे विकलांगता कहते हैं, उसे हम हैंडीकैप मैन या वुमन कहते हैं। हैंडीकैप जो, हम अगर कहीं पर भी विकलांग हो जाते हैं, हमारा अंग भंग हो जाता है या काम करना बंद कर देता है, तो हम उसे विकलांगों के अंदर गिन लेते हैं। उसे हम पूर्ण नहीं मानते, उसे हम पूर्णता का संदेश नहीं देते। जब कभी भी आप अपनी लड़की या लड़के का रिश्ता करते हो तो ये सब चीजें आप देखते हो, इसके ऊपर विचार करते हो। तो जब हम बाह्य शरीर की रूपरेखा पर भी इतना विचार करते हैं, तो भगवान ने कहा कि शरीर के साथ जो दिखाई देता है शरीर का हिस्सा, वो तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन ये शरीर बना है दुनिया के लोगों को देखने के लिए। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे शरीर को नहीं देखता, मैं तुम्हारी आत्मा को देखता हूं, क्योंकि आत्मा के जरिए ही वो परमात्मा बने हैं। शरीर के जरिए परमात्मा वो आत्मा के परम विकास को प्राप्त करने के बाद हुए हैं। तो इसलिए कहते कि तप का बड़ा अच्छा अद्भुत, इसलिए मैं जैन शासन को नमन करता हूं। जैन शासन ने हर तरीकों को अपनाया है, बाह्य और अंतर को पहचाना है। आपने देखते हो, पहले लोग घर को बाहर भी सजाते हैं और अंदर भी सजावट करते हो, आप लोग करते हो ना, वो अलग अलग कहलाते हैं। इसका एक कोर्स भी होता है जो आंतरिक सज्जा के काम करते हैं, आंतरिक सज्जा पर। तो ये हमारी आंतरिक सज्जा और बाह्य सज्जा, दोनों शरीर के दो रूप हैं, एक अंतर का शरीर है, एक बाहर का शरीर है। अंतर के शरीर को हम मन, मस्तिष्क, चित्त, प्रज्ञा और चेतना और आत्मा, आत्मा तक पहुंचना है। आत्मा तो है ही परम विकास, लेकिन उससे पहले अपनी बुद्धि को चेक कर सकते हो, अपनी
मन को चेक कर सकते हो, अपनी प्रज्ञा को चेक कर सकते हो। तो इन सबको चेकआउट करने के लिए, इन सबको देखने के लिए भगवान महावीर ने इतना सुंदर कहा है कि देह आसक्ति मिटाने बाह्य तप को पालना। अपने शरीर के प्रति जो आसक्ति है, मैंने शरीर को इतना तगड़ा करना, इतना मजबूत बनाना, ये करना और वो करना है, शरीर को सजाना है, तो कहा कि पहले अगर शरीर के प्रति आसक्ति रहेगी तो तुम तपस्या नहीं कर पाओगे। शरीर की आसक्ति को मिटाने के लिए बाह्य तप कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ निज गुणों की प्राप्ति हेतु, प्राप्ति हेतु या प्राप्ति हित निज गुण, जो आपके निज गुण हैं, जो आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं, उन गुणों को पाने के लिए अंतर का तप कीजिए। अभी देखते हैं, इसको देखते हैं, बाह्य तप के छह भेद कौन से? अनशन तप, उनोद्री तप, भिक्षाचर्या तप, रस परित्याग तप, काय क्लेश तप, प्रतिसंलीनता तप। अब इसको थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं। अनशन तप, अनशन तप के दो भेद और किए जाते हैं, जिसको कहते हैं इत्विरिक अनशन और यावत कथिक अनशन। ये शायद पहली बार सुनोगे आप, जो स्वाध्यायी है वो तो जानता है। इत्वरिक अनशन, इत्वरिक अनशन उसको कहते हैं ऐसी तपस्या जिस तपस्या में खाने के भाव रहते हैं, राइट। अब जैसे किसी ने उपवास किया, तो उपवास का मतलब क्या है कि कल मैं इसका पारना, खाने की पहले सोच के ही तो करोगे ना। अगर आपने बेला किया, तेला किया, चोला किया, महीना किया, मांस खमन किया, लेकिन फिर भी तो एक टारगेट है ना कि इस तपस्या के बाद मैं क्या करूंगा, पारना करूंगा। पारना साथ में रखा हुआ है। जो भी आपने लक्ष्य ले लिया कि मैंने इतने दिन की तपस्या करनी है, तो इतने दिन की तपस्या के बाद मैं खाऊंगा, ये पहले ही सोच लिया, राइट। कोई भी सोच लेता, लक्ष्य बना लेता, मैंने नवरात्रे करने हैं, या मैंने ओली करनी है, या मैंने अठाइयों में तपस्या करनी है, या मांस खमन करना है, लेकिन उसके बाद मुझे पारना करना है। इसको कहते हैं इत्वरिक अनशन, इत्वरिक अनशन। जिस अनशन का इति करना हो, जिस अनशन को खोलना हो, इसलिए इसको इत्वरिक अनशन कहते हैं। यावत कथित उसको कहते हैं, यावत जब तक जीवन है तब तक कर लिया, उसको यावत कथित अनशन कहते हैं। इत्वरिक जिस अनशन को खोलने की इच्छा रखें, इति यानी उसका अंत करने की इच्छा रखें, अंत करने की इच्छा रखें, उसको इत्वरिक अनशन कहते हैं। इसके भी छह भेद है। सबसे पहला भेद है श्रेणी तप। आप कहते हो ये श्रेणी क्या है? श्रेणी कहते हैं सीक्वेंस को, श्रेणी कहते हैं लाइन को, और उसकी शुरुआत होती है एक से, उपवास से। तो उपवास, बेला, तेला, चोला, पचोला, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, और इसकी संख्या पहुंचती है 180 तक। कितनी? 180 तक। 180 यानी छह महीने तक, बोला है भगवान ने, छह महीने तक की जो सोचे उसको हम श्रेणी तप कहते हैं। जो सीक्वेंस कहीं डगमगाई नहीं, एक से लेकर के, अगर हमने एक अठाई करनी है तो एक से आठ दिन तक लगातार करना है, अगर हमने तेला करना है तो लगातार करना है, अगर मांस खमन करना है तो लगातार करना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, लगातार करना है। जो भी हमने संकल्प लिया है, हमने उसकी बाउंड्री लाइन बना ली, मुझे वहां तक जाना है, और उसकी बाउंड्री आखिरी लाइन बोली है छह महीने तक। आप कह सकते हो महाराज लोगों ने तो एक एक साल की भी तपस्या करी है, तो क्या भगवान महावीर को क्रॉस किया उन्होंने? ऐसा नहीं है। ये छह महीने की तपस्या वो कहलाती है जिसमें अन्न और जल दोनों ग्रहण नहीं किए जाते। भगवान महावीर के समय शरीर की शक्ति इतनी बड़ी थी, क्योंकि भगवान महावीर ने भी 100-175 दिन और 180 दिन तक भी पहुंचे हैं वो, और उनकी जो भी तपस्या है वो निर्जल है, उसमें पानी नहीं है। तो कोई माई का लाल छह महीने तक लगातार बिना पानी का निर्जल अनशन नहीं कर सकता, वो उस समय हो सकता था, आज इतना सामर्थ्य नहीं है। ऐसे तो मैंने देखे कि मांस खमन निर्जल किया है, ऐसे मैंने
एक दो तपस्वी देखे हैं, साध्वियां देखी हैं, जिन्होंने निर्जल मांस खमन किया है, पर लेकिन इसके आगे वो भी नहीं जा सकते। एक उसकी एक कैपेसिटी है, बॉडी है आखिर भैया, कहीं ना कहीं इसको जरूरत है, इसके बिना ये जवाब दे जाएगी, पर इतना सामर्थ्य इसके अंदर है। इसको हम श्रेणी तप कहते हैं। एक होता प्रतर तप, प्रतर तप आपने देखा होगा, प्रतर तप किसको कहते हैं, आना पूर्वी देखियो, शांति शांति पाठ के आना पूर्वी आप पढ़ते हो, है ना, शांति पाठ के आना पूर्वी की पहचान है, इधर भी पांच खाने और नीचे भी पांच खाने, इसको हम सर्वतोभद्र आना पूर्वी कहते हैं। मेरे गुरुदेव ज्यादा करते भी थे और करवाते भी थे सर्वतोभद्र। एक आना पूर्वी होती है, यूं खाने तो पांच होते हैं और नीचे खाने छह होते हैं, वो कॉमन आना पूर्वी होती है। और एक महासर्वतोभद्र आना पूर्वी होती है, जिसके अंदर नौ पद का जाप किया जाता है। जैसे हम एक को जहां है वहां नमो रिहंतान बोलते हैं, जहां दो है नमो सिद्धानम, जहां तीन नमो आर्यानम, जहां चार वहां नमो वैज्ञानम, जहां पांच वहां नमो लोए सब वैसाणु, यही बोलते हैं ना। पर लेकिन ये तपस्या के द्वारा अर्जित की गई है। एक का मतलब उपवास है, दो का मतलब बेला है, तीन का मतलब तेला है, चार का मतलब चोला है, पांच का मतलब पचोला है। ये सर्वतोभद्र आना पूर्वी है, सर्वतोभद्र आना पूर्वी है। और ये हमारे उसमें आते हैं अंतगढ़ सूत्र के अंदर, काली सुकाली इन सभी आर्यों ने जिन्होंने ये तपस्या करी है। तो आपको ये कहना चाहता हूं कि उस कोष्टक के अंदर, कोष्टक में जो भी अंक है उसके अनुसार करना। जैसे जहां व्रत किया है एक है, वहां व्रत करना है, पारना करके फिर बेला करना है, वो कोष्टक बन गया वहां पर। पहले व्रत किया, फिर पारना किया, फिर बेला किया, फिर पारना किया, फिर बेला, फिर पारना करके तेला किया। इस प्रकार उस कोष्टक में जो जो भी अंक लिखा हुआ है उसके अनुसार ये प्रतर तप कहलाता है। एक होता घन तप। घन तप क्या होता है, श्रेणी तप को गुना किया जाता है, मतलब उस श्रेणी तप को प्रतर तप के साथ गुना कराया जाता है, उसको घन तप कहा जाता है, उससे उसको गुना किया जाता है। और उसके पास वर्ग तप है, 64 को 64 से गुना करके 1096 रूप बनता है उसकी, वो तपस्या, वो सब कोष्टक है, वो सब कोष्टक है, ये सब कोष्टक के साथ चलती है। फिर वर्ग तप है, वर्गा वर्ग तप है, फिर प्रकीर्ण तप है, तो वर्ग को वर्ग के साथ गुना करना, ये क्योंकि जो वर्गा वर्ग तप है वो चौथे आर्य में हो सकता है, वो इस आर्य में हो ही नहीं सकता क्योंकि इतनी उम्र ही नहीं है जितने वो कोष्टक बनते चले जाते हैं। पर किरण तप जो है, जो आप नौकारसी करते हो, जो आप पौरसी करते हो, ये जो तपस्या कहलाती है ये प्रकीर्ण तप के अंतर्गत आती है। नौकारसी, पौरसी, डेढ़ पौरसी, दो पौरसी, और कोई बीच में से उठाता है यव मध्य, जव मध्य, जो भी है, ये सब तपस्याएं प्रकीर्ण तप के अंतर्गत आती हैं। तो ये तपस्या की एक गहराई है, और जो उत्सुक है, तपस्वी आत्मा है, तपस्या करना चाहता है, जो अपने आत्म बल को चेक करना चाहता है, आत्मा में कितना बल है, मेरे अंदर कितनी सहन शक्ति है, मैं कितना भूख को जीत सकता हूं, ये सब सामर्थ्य हमारे अंदर है। ये तो भगवान आदिनाथ ने तपस्या कितने 13 महीने तक की भी करी है, लगातार करी है उन्होंने, तो भगवान आदिनाथ उस समय इतनी कैपेसिटी थी तो, पर लेकिन समय के अनुसार वो घटती जाती है। तो हमारी आत्मा में इतना बल है, और याद कर लीजिएगा, तपस्या आप शरीर के आधार पर नहीं करते, किसके आधार पर करते हो, आत्मा के आधार पर। आत्मा भी उस वक्त अगर कर्माधीन है, अंतराय कर्म जितनी आपने तोड़ रखी है, अंतराय कर्म का जितना आपने क्षोभसम किया हुआ है, उसमें अंतराय कर्म भी आ गया, उसमें मोहनीय कर्म भी आ गया, उसमें ज्ञानावरणीय भी कर्म आ गया, उसमें दर्शनावरणीय भी कर्म आ रखा है, क्योंकि तपस्या का भाव आना ये दर्शनावरणीय कर्म का उदय। दर्शनावरणीय जब कमजोर होता है तभी तपस्या करने के भाव आते हैं, और तपस्या करने की प्रेरणा कौन लेता है, प्रेरणा वो लेता है जिसका ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभसम हुआ है, वही तो सुनेगा, वही तो प्रवचन सुनेगा, और सुनकर के भाव आएंगे क्योंकि उसका दर्शनावरणीय कुछ कमजोर हुआ है, दर्शनावरणीय कर्म का क्षोभसम हुआ है। और फिर उसके बाद मोहनीय कर्म, क्योंकि शरीर के ऊपर भी तो मोह रहता है, इसके मोहनीय कर्म को तोड़ना, ये सोचना भी कमजोर होऊंगा, हो जाऊंगा, अगर मैं तपस्या करके मेरे गड्ढे जावे, मेरी आंख अंदर धस जावे, मैं ड्रावना सा लूंगा, कोई बात नहीं, शरीर तो फिर बन जाएगा। ये जो मोहनीय कर्म का प्रभाव होता है, इसको तोड़ना ये कोई बच्चों का खेल है, मोहनीय कर्म का शब्द सम होता है। और फिर आती है बारी अंतराय
कर्म की, जो हमने जितना लक्ष्य चुना है, हो सकता है कई लोग मांस खमन का भाव रखते हैं लेकिन उस लक्ष्य तक वो नहीं पहुंच पाते, किसकी वजह से? अंतराय कर्म की वजह से। और वो अंतराय कर्म कहां कहां काम करेगा, आपके ज्ञान को भी ये कहने शुरू कर देगा, रहने दे यार, जितना होता उतना ही कर ले, क्या करना है, ज्यादा मरना कोई है? यंत्राय ने बोला है, ज्ञानवर्णी को इंस्ट्रक्शन दिया है कि सुन ले बनकर, यार महाराज जी तो यूं करवाते रहते हैं, जो जब देखो पीछे पड़े रहते हैं। ये दर्शनावर्णी कर्म ने प्रभाव डाला, अंतराय कर्म ने उसको भी बोल दिया कि तू सुन ले, समझा, मतलब सब चीज, वो किस तरह अंतर जगत में ये सब चीजें चलती रहती हैं और आप समझ जाते हो। आप कहते हैं कोई दूसरा इसमें, कभी कभी क्या होता है, दूसरे अंतराय कर्म तो इतनी जबरदस्त चीज है, दूसरे को भी तैयार करके भेज देता है। पत्नी बोल देती है, ए जी बहुत कमजोर हो गए, अब इतनी जरूरत क्या है, आप तो वैसे तपस्वी हो, वैसे बहुत अच्छी हो, ये क्या चक्रों में पड़ गए, अंतराय कर्म ने उसको भी भेज दिया। इन सब चीजों को आप चेक कर सकते भैया। तो ये जो तपस्या होती है, जितना क्षोभ सम होता है उतनी ही हम तपस्या कर पाते हैं। अनशन तप, उनोद्री तप, उनोद्री को हम क्या कहते हैं, भूख से कम खाना। पुरुष के 32 कवल होते हैं, 32 कवल, हम जो ये कवल किसको कहते हैं, जो 32 बार हम खाते हैं, और आप देखना 32 जब कभी भी चेक कर लेना, 32 बार खाने के बाद आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि इतनी ही कैपेसिटी हमारी। 28 कवल महिलाओं के होते हैं, आपके 28 कवल बोले हैं, तो आप ये देखिए उतने कवलों के ऊपर निर्धारित करना, उन कवलों में कम करना। किसी को 32 कवल है तो 32 कवल का सोच कर कि आज मैं 2 कवल कम खाऊंगा, उसको कम करते करते कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं केवल 1 कवल खाकर 31 कवल का त्याग कर देते, ऐसे भी महान लोग हैं। केवल ऐसे भी मैंने आयंबिल धारी लोग देखे जो 2.5 दाने का आयंबिल करते हैं, 2.5 दाने, 2.5 चावल का, 2.5 दानों का भी आयंबिल करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं एकासने मैंने देखे हैं कि केवल 1 कवल का भी एकासना करते हैं। एकासने में ये भी देखा है कि केवल 10 मिनट में एकासना लगाना है कि उसमें जितना खाया जाएगा उतना ही ठीक है, बाद में उठ जाएंगे, ऐसे भी टाइमली का भी एकासना है। ये सब उनोद्री तप की कई विविध परिभाषाएं, उसमें आहार को भी घटाया जाता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं उसको भी घटाया जाता है, किस किस को, क्षेत्र की भी उनोद्री की जाती है। मुझे इतने ही क्षेत्र में आहार लेने के लिए जाना है, संत ये सोच सकता है कि मुझे इतने क्षेत्र में जाना है, यहां से मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उनोद्री क्षेत्र की भी उनोद्री कर लेते हैं, काल की भी उनोद्री कर लेते हैं, काल की उनोद्री इतने समय तक ही घूमूंगा, इतने समय में कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे। भाव की उनोद्री, भाव भी उनोद्री होते हैं कि उन भावों के साथ जुड़ जाना, मेरे अंदर इतनी कमियां हैं, मेरे अंदर इतनी मात्रा में क्रोध आता है, इसके अंदर मैं कमी लाऊंगा, मेरे अंदर इतना लालच है, इसमें मैं कमी लाऊंगा, मेरे अंदर इतना अभिमान है, इन इन बातों पर मैं इतना पड़ता हूं, मैं इसमें कमी लाऊंगा। आप उनोद्री को कहां तक ले जा सकते हो? उनोद्री यानी कम करना, जो आपकी कैपेसिटी है उससे कम करना, जो आपकी खुराक है उससे कम करना, 4 रोटी की खुराक है 3 करना, 2 करना, 1 करना, है ना, ऊपर से टुकड़े करना उसके। और तो उनोद्री तप है, भिक्षाचर्या तप, ये भी हमारे संतों की भिक्षाचर्या एक तप, क्या कहा गोचरी को जो तप कहा है, भिक्षाचर्या को तप कहा, ऐसे नहीं कहा है, वो इस आधार पे कहा है कि संत पहले बड़ी गजब की गोचरी किया करते थे, बांध लेते थे, और गोचरी करने के 8 तरीके बतलाए हैं कि 8 तरीके की गोचरियां होती हैं, कि जैसे गाय पहले मूत्र क्या करती थी, मैंने ऐसे ऐसे जाना, जिग जग जाना है, कभी कभी कोष्ठक की गोचरी करते थे कि एक पूरा का पूरा मोहल्ला है, मैंने बीच के घरों से आहार लेना है, आगे के छोड़ देने, पीछे के छोड़ देने हैं, मुझे आगे से लेना है, बीच के छोड़ देने हैं, इस प्रकार गोचरी होती है। इस और उसके अंदर ये भी आ जाती है कभी कभी, भिक्षाचर्या तप गोचरी तप इसलिए भी माने होते हैं, कभी कभी संत ये सोच के भी जाता है कि मैं जिस घर में जाऊंगा तो वहां पर ये कपड़े पहने होंगे, या ऐसा व्यक्ति मुझे आहार पानी देगा तो मैं आहार लूंगा, जिसको हम अभिग्रह कहते हैं, अभिग्रह युक्त भिक्षा लेना, अभिग्रह धारण करके ये स्थिति रहेगी तो मैं आहार लूंगा, नहीं तो मैं आहार नहीं लूंगा, इसलिए इसको तपस्या कहा गया, गोचरी को इसलिए तपस्या किया गया कि खाने से पहले ये कर लेना, ये स्थितियां रहेंगी तो खाऊंगा। मैंने कमाल, एक व्यक्ति, एक संत ने तो क्या गजब का अभिग्रह किया था, वो अभिग्रह किया था कि जब मैं बिल्ली के
पीठ पर चूहे की सवारी करते हुए देखूं तो मैं भोजन करूंगा। बोलो जी, क्या बोला मैंने अभी? चूहे को बिल्ली की पीठ पर सवारी करते हुए देखूं, 40 दिन लग गए भैया, 40 दिन तक उसने आहार नहीं किया, 40वें दिन ये घटना घटित हुई। ऐसे से अभिग्रह कर लेते हैं, देने वाला भाले की नोक पर रोटी देगा तो मैं लूंगा। अब बताओ कौन देगा भाले की नोक के पर? लेकिन देने वाले देते भी हैं। तो अनेक प्रकार से ये भिक्षाचरी को इसलिए तब कहा, हम जैसे कायर, हम तो मैं खुद कहता हूं भैया हम कायर है, हम ऐसी गोचरी नहीं कर पाते हैं, लेकिन करने वालों ने की है, इसको भी एक तपस्या बनाया है। गोचरी को एक तप कहा है, भिक्षाचरी को भी तप कहा है। रस परित्याग मतलब मैंने रसों का त्याग कर देना, जिसको हम आइंबिल कहते हैं, ऐसे भी त्याग कहलाते हैं। काय क्लेश तप, अपने शरीर को तपाना, ठंड के अंदर, ठंड के अंदर अपने कपड़े उतार करके पत्थरों की शिला पर लेट जाना, गर्मा गर्म जब जेठ की गर्मी पड़ रही हो पत्थर तप रहे हो। पहले मैंने संत ऐसे सुने हैं जो लोहे के कढ़ाए होते थे, बड़े बड़े कढ़ाए, उन कढ़ाओं में वो बैठ जाते थे और उस समय लोहा कितना तप रहा होता है। ये सब काय क्लेश तप में, केश लुंचन ये काय क्लेश तप में है। मैं इस आसन के ऊपर वज्रासन पे बैठूंगा, गोदुहासन पे बैठूंगा, वीरासन पर बैठूंगा, मैं इतने घंटों तक बैठा रहूंगा, देखता हूं मेरे अंदर कितनी शक्ति है, ये काय क्लेश तप में आता है। अपने आप को तपाना, अपने आप को चेक करना, अपने आत्मबल को चेक करना। एक प्रतिसल्लीनता तप, ये छठा तप है, प्रतिसल्लीनता तप उसको कहते हैं, बिल्कुल एकांत में रहना, जहां कोई आवे नहीं जावे नहीं, जिसको मैं देखूं नहीं किसी को, वहां ना पशु हो और ना नर नारी हो, कोई भी ना हो, एक एकांत वास के अंदर मैं रहूंगा, अपने को चेक करूंगा। ऐसी ऐसी तपस्याएं, ये प्रतिसल्ली, ये भी तपस्या कही है। ये छह भेद बाह्य हैं और छह भेद अंतर के हैं। देखिए आंतरिक तप के अब सबसे पहला भेद प्रायश्चित तप, यह भी एक तपस्या है। प्राय कहते पाप को, चित कहते शुद्धि को, पापों की शुद्धि किससे होती है? प्रायश्चित से। प्रायश्चित यानी पश्चाताप, पश्चाताप यानी ये आदमी को कबूल करने का कि ये मेरी गलती है और मुझे ये गलती करनी नहीं चाहिए थी, मैंने उसका दिल दुखाना नहीं चाहिए था, मुझे ये शब्द उसको बोलने नहीं चाहिए थे, मैंने ऐसा व्यवहार उसके साथ नहीं करना चाहिए था, और अपने व्यवहार पर इतनी खिन्नता आए, इतनी खिन्नता आए कि आंखों में आंसू आ जाए कि उसका दिल कितना दुखा होगा, और इतनी गहराई में चला जाए सामने वाले के आंसू हमारी आंखों से निकलने लग जाए, उसका दर्द मुझे ही दर्द महसूस होने लग जाए। ये प्रायश्चित तप है। ये तो आप लोग भी कर सकते हो भैया, हम भी कर सकते हैं। अपनी गलती को स्वीकार करना, उसके ऊपर प्रायश्चित करना। प्रायश्चित का मतलब एक बात जरूर कह देता हूं, जिस का आपने प्रायश्चित किया है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो कईयों को आदत है थप्पड़ मारते हैं, बोलते हैं सॉरी, किसी का दिल दुखा, मतलब सॉरी तो ऐसे बोल देते जैसे चलते चलते, सॉरी का मतलब तो ये होता है कि मैं दोबारा ये मिस्टेक नहीं करूंगा। प्रायश्चित तप, विनय तप, ये वो तप हैं जो अहंकार के टूटने पर ही आ सकते हैं, ईगो के टूटने पर आएंगे, वैसे आएंगे नहीं, और ईगो को तोड़ना बहुत जरूरी है। विनय धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। ये कहा विनय धर्म का मूल है, धर्म का जो मूल है वो विनय है। ये प्रायश्चित आएगा कब, अपनी गलती नजर आएगी कब, जब ईगो हमारी डाउन हो जाएगी। और ईगो को मैं बार बार बोलता हूं, ईगो का मतलब ही होता है एवरीथिंग गो, जहां से गुण ही चले जाएं। ईगो सामने वाले को भी दूर कर देता है, ईगो जितनी कमजोर होती चली जाएगी प्रायश्चित उभरने लगता है, विनय भाव पैदा होने लगता है, और विनय ही पैदा नहीं होती, वैयावृत्ति भी आता है, वैयावृत्ति जिसको हम सेवा कहते हैं, सेवा ये विनय भाव की वजह से आती है। पहले तो हम अपनी गलती स्वीकार करें, ईगो खत्म करें, विनय भाव आए, विनय भाव के बाद वैयावृत्ति आता है, वैयावृत्ति के बाद स्वाध्याय बतलाया, और ये हमारे जैन आगमों में सत्य कहा गया है
कि हमारे पास दो ऑप्शन है कि मैं सेवा करूं या स्वाध्याय करूं, सेवा करूं या स्वाध्याय करूं, तो प्रायोरिटी किसको देनी? पहले सेवा करूं। सेवा जरूरी है। सेवा करने के बाद जब सामने वाले को आपने स्वस्थ कर दिया, प्रसन्न कर दिया, उसके बाद उसकी दुआएं जब लग गई तो आपका स्वाध्याय बहुत गजब का होएगा। स्वाध्याय जिसका गहरा हो जाएगा वही ध्यान में उतर जाएगा, वही ध्यान में जाएगा। हम तो डायरेक्ट ध्यान का फार्मा भर देते हैं, बिना स्वाध्याय के ध्यान का फार्म भर देते हैं भैया। तो आप ये देखिए ध्यान कब आता है? स्वाध्याय के बाद। लेकिन आपको मालूम है ध्यान की शुरुआत किससे हुई है? प्रायश्चित से। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय और उसके बाद ध्यान, और ध्यान के बाद कायोत्सर्ग। ध्यान की एक ऐसी श्रेणी आती है, ध्यान की ऐसी भूमिका आती है, ध्यान की एक ऐसी उत्तम अवस्था आती है जब काया का भान नहीं रहता। इस प्रसंग पर मैं अपने श्रवण संघ के प्रथम पटधर आचार्य सम्राट प्रभु आत्माराम जी को मैं जरूर याद करता हूं। मैं उनकी ध्यान की प्राकाष्ठा और कायोत्सर्ग की तल्लीनता को नमन करता हूं कि जिस वक्त उनके गले का ऑपरेशन किया जा रहा था तो डॉक्टर को कहा था कि मुझे कोई क्लोरोफार्म नहीं देना, मुझे कोई बेहोशी की दवा मत देना। डॉक्टर ने कहा कि ये हो नहीं सकता, गला काटना है, गले के अंदर जो गांठ है, जो गिल्टी है, वो निकालनी है, इसके लिए तो आपको बेहोश करना पड़ेगा। कहा कि तुम मुझे बस 10 से 15 मिनट का टाइम दे दो और उसके बाद तुम मुझे हिला करके देख लेना, अगर मैं हूं हां करूं तो रोक देना, अगर मैं मेरे ऊपर कुछ भी हलन चलन ना हो तो तुम ऑपरेशन कर देना। तो आप देखिए उस डॉक्टर ने 15 मिनट के बाद जैसे उनको छुआ तो वो खो गए थे। कायोत्सर्ग इसको कहते हैं। उसके बाद ऑपरेशन किया और वो डॉक्टर इतना हैरान हो गया कि क्लोरोफॉर्म सुंघाने के बाद कईयों के उसने ऑपरेशन किए, क्योंकि अंतर तो वेदना रहती है ना, तो उसके अंदर बेहोशी में भी आदमी के पांव हिल जाते थे, शरीर हिल जाता था, लेकिन प्रभु आत्मा राम के शरीर में कोई भी स्पंदन नहीं हुआ। ऑपरेशन के बाद, क्योंकि 1 घंटे का ऑपरेशन था तो 2 घंटे के बाद ध्यान खुला तो ऑपरेशन हो चुका था और डॉक्टर उनके सामने हाथ जोड़ करके आंखों से आंसुओं के साथ रो रहा था। वो कह रहे थे कि आज पता चल गया कि ईसा मसीह क्रॉस पर टंगने के बाद भी क्यों मुस्कुरा रहे थे, आज पता लग गया। नहीं तो हम सोचा करते थे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन आपके इस स्वरूप को देखकर मुझे जीसस की याद आ गई, ईसा मसीह की याद आ गई, नमन करता हूं। और इसी कायोत्सर्ग के बलबूते पर ही एक विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति थी प्रभु आत्माराम के पास। वो वहां से बैठे बैठे जहां का भी डॉक्टर था उसके घर का नक्शा बता दिया था कि तुम्हारा घर कौन से कोने बना, तुम्हारी रसोई कहाँ बनी, तुम्हारी पत्नी की क्या ड्रेस है और उसने आज क्या भोजन बनाया है, जो यहां है वो वहां नजर आ रहा है। ये गहराई कब आती है? ये गहराई तब आती है कायोत्सर्ग से। लेकिन इस कायोत्सर्ग की शुरुआत, मैं ये भी बोलना चाह रहा हूं, इस कायोत्सर्ग की शुरुआत किससे हुई है? प्रायश्चित से। जितना अभिमान आपका कम होता जाएगा उतना ही विनय भाव बढ़ता जाएगा, जितना विनय भाव बढ़ता जाएगा उतना ही सेवा में मजा आता जाएगा, आनंद आता जाएगा, जितना वैयावृत्त में आनंद आएगा वही आपको स्वाध्यायी बनाएगा, जितना स्वाध्याय में गहराई आएगी उतना ही ध्यान परिपक्व होगा, जितना ध्यान परिपक्व होगा उतना ही कायोत्सर्ग उत्तम होगा। ये श्रेणियां, तो ऐसी अद्भुत तपो मार्ग गति
जो आज का यह अध्ययन है अद्भुत है। बोर हो गए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये हमारी तुम्हारी विरासत है मेरे जैन बंधुओं, दुकान पर बैठने वालों, ऑफिस में बैठने वालों, इंटरनेट पर मस्त रहने वालों और संसारिक कार्यों में उलझने वालों, उलझाने वालों, और हम संत भी संप्रदाय के रंग में रंग कर भटकने वाले, हम क्या जाने इस आंतरिक तप की क्या प्रधानता है। लेकिन ये प्रधानता तब सज जाती है जब हम बाह्य तप भी करते हैं, बाह्य तप के माध्यम से आंतरिक तप की योग्यता प्राप्त होती है। आप में भी ये योग्यता आए, हम में भी ये योग्यता आए, ये संदेश है जिनवाणी का, ये संदेश है श्रुतदेव श्रीमत उत्तराध्ययन सूत्र का, ये भगवान महावीर की अंतिम देशना है। हे मेरे प्रभु परम उपकारी, जाते जाते जो आप हमको ज्ञान का अमृत का जो कलश देकर के गए हो श्रुतदेव उत्तराध्ययन के रूप में, ये आपका हम कभी भी किसी भी जन्म में आपके इस उपकार को भुला नहीं सकते हैं।